दोस्तों आप देख सकते हैं ये सुजानगढ़ का घंटाघर का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। रात्रि का समय है, लगभग 9 बजे हैं और यहाँ पर बसंत जी है, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए, इस घंटाघर में मतलब रिपेयर के लिए काम 3-4 दिन से चल रहा है और इसका रिपेयर भी हुआ है, तो इसमें कुछ फिर भी कोई कमियाँ रह गई है, तो वो क्या कमियाँ हैं आप बताइए लोगों को। हकीकत बात ये है कि सुजानगढ़ का घंटाघर जो है वो मेन सुजानगढ़ का नाक है। आज पूरे बाजार का और पूरे शहर का ये नाक है एक घंटाघर। ये ऐतिहासिक जगह है और बगड़िया परिवार के द्वारा ये तैयार किया हुआ है। आज बरसों से है ये। इस घंटाघर की घड़ियाँ लंबे समय से, काफ़ी बरसों से खराब पड़ी थी और मैंने कम से कम 4.5 साल प्रशासन को पत्राचार के द्वारा जगाया था और प्रशासन जगा भी था। मैं लोकायुक्त तक पहुंचा था और घंटाघर की घड़ियाँ मेरे प्रयास के द्वारा ये घंटाघर की घड़ियाँ ठीक भी हुई थी। एक महीने बाद ये घड़ियाँ वापस खराब हो गई थी। उसके बाद में मैंने फिर नगर परिषद को, कलेक्टर को, राज्य सरकार को, जिसकी भी सरकार रही, उनको बार बार पत्राचार किया, इसकी सूद नहीं ली गई। उसके बाद में मैंने बगड़िया परिवार को कई बार पत्राचार करके और बगड़िया परिवार के जो प्रतिनिधि है सुजानगढ़ में, पवन जी तोदी, उनको भी बोला था कि भाई इन घड़ियों को आप ठीक करो, अगर ये घड़ियाँ ठीक नहीं होती है, ये पुरानी घड़ियाँ हैं, तो आज के युग की घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ यहाँ पर लगाई जाए। और लोगों की यही धारणा है कि ये घड़ियाँ बहुत पुरानी हो चुकी है, आज बहुत पुरानी घड़ी है ये, इनको चाहे कितनी बार भी आप ठीक करा दो, ये घड़ी वापस दोबारा ख़राब होगी। तो मैंने यही कहा था कि भाई इनको आज के युग की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आप लगवा दो, ठीक है, वो नहीं लगी। अब आज ये जो नया वर्ष चालू हो रहा है, कल 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का अयोध्या निर्माण हो रहा है, उद्घाटन, तो ये नया वर्ष है, ये नया त्यौहार मनेगा हर 22 जनवरी को, दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी पूरे भारत में। अब इस घंटाघर को आप देख लो कि ये घंटाघर को यहाँ पे रिपेयर करवा रहे हैं, इसकी फिनिशिंग करवा रहे हैं, अच्छी बात है, साफ सफाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जब तक ये घड़ी ठीक नहीं होगी तो इसमें जितना भी खर्चा लग रहा है ना बगड़िया परिवार का, वो बेकार है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल। और ये घंटाघर की घड़ी जब तक चालू नहीं होगी, इस पर चाहे घंटाघर पे आप रिपेयरिंग करवा दो, फिनिशिंग करवा दो, इसको चमका दो, इस पर लाइटिंग करवा दो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो मेरा वापस यही आपसे निवेदन है और प्रशासन से निवेदन है और बगड़िया परिवार से निवेदन है कि इस घंटाघर की घड़ी को आप नया रूप दें और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगवाएं। इस घड़ी के ऊपर रुपए खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, मेरा यही निवेदन है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बगड़िया परिवार से और नगर परिषद से। और दूसरी बात ये है, आज 21 तारीख है, अभी घड़ी में बज रही है 10:15 और पूरे सुजानगढ़ में अंधेरा हो रखा है, जबकि यहाँ पे अखबार में आज आ चुका है कि 21 तारीख और 22 तारीख को सुजानगढ़ जगमगाएगा पूरे रोशन से, और पूरे सुजानगढ़ के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था पूरे मार्केट के द्वारा, व्यापार मंडलों के द्वारा की गई है। बाकी यहाँ पे देख लो आप कैमरा घुमाओ, पूरा अंधेरा छा रुका है, अभी भी पूरा अंधेरा है। 21 तारीख की घड़ी के अंदर 9:30 बज चुकी है अभी, और कल 22 तारीख है, तो आज 21 तारीख को अंधेरा है, तो कल हम कैसे उपेक्षा करें कि कल 22 तारीख को भी यहाँ पे उजाला रहेगा। समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहानी क्या है ये। मेरा ये निवेदन है और घंटाघर के ऊपर विशेष तौर के प्रशासन और बगड़िया परिवार और बगड़िया परिवार के प्रतिनिधि पवन जी तोदी, इसके ऊपर गौर करें और इस घंटाघर की घड़ी को आप नया रूप दें और इलेक्ट्रॉनिक, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक घड़ी यहाँ पे लगवाएं, ताकि आम पब्लिक को फ़ायदा मिले और चारों घड़ियाँ सुजानगढ़ की ये शान है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि घड़ी ऐसी चीज़ है, हम घर पे भी सोचते हैं कि घड़ी बंद होती है ना तो अशुभ होती है, तो आज ये बताओ
कि ये मार्केट के व्यापारी कहते हैं कि मंदी है, व्यापार नहीं है, तो व्यापार कहाँ से होगा? जब घड़ी बंद है सुजानगढ़ की तो ये अशुभ है, इस घड़ी को दोबारा चालू करो तो सुजानगढ़ का व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को हर चीज़ में राहत मिलेगी। तो देखिए ये विचार थे, और भी हम लोगों से बात करेंगे, भाइयों से, और पूछेंगे। सर आप बताइए इसके घंटाघर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कमियां लग रही है आपको? कमियां तो अभी तक थोड़े ठीक है आज तो अभी, और बाकी तो पहले तो देखने लायक ही नहीं था। हाँ, चमक गया वो तो सर दिख रहा है। 60-65 वर्षों से कोई है ना चमका है। और कोई घड़ी के बारे में ये है कि घड़ी हमें ऐसा है ना बंद रहती है इसकी, ये घड़ी की व्यवस्था जरूर होनी जरूरी थी, बाकी कोई कमी नहीं है। सही है, और बाकी तो चलो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन मार्केट की लाइटें एकदम थोड़ा सही करवानी जरूरी है चारों साइडों में, उसकी दिक्कत है सबसे बड़ी। तो देखिए इन्होंने बताया कि भाई घड़ी की में कमी बताई जा रही है और बाकी सब सारा सही लग रहा है। तो और भी अंकल से बात करें, ये नहीं बताना चाहते हैं, कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं उनसे, और ये देख सकते हैं पूरा काम चल रहा है 2-3 दिन से, और लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपने अपने विचार बताए। थैंक यू।